प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड, अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब जीरो से लेकर वन तक वैल्यू आएगी इसकी, ऑफ फेलियर ऑफ डिमांड। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जब आप डिमांड करें, आप चाहें कि भाई मुझे ये फंक्शन मिल जाए या ये काम हो जाए सॉफ्टवेयर से, या मुझे सॉफ्टवेयर अवेलेबल मिले या सॉफ्टवेयर में काम कर पाऊं, तो कितने बार ये फेल हो जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं डिमांड करूं तो ये फेल हो जाए। तो POFOD या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड, ये प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए इसको हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं कि जैसे ही आप सर्विस की रिक्वेस्ट करें कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने एक वेबसाइट पे गए और वेबसाइट ओपन की, यहां पर आपने टाइप की, और ये वेबसाइट आपकी कितने बार आती है और कितने बार नहीं आती है, वही प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं कि ये कभी आ गई और जिस समय आप चाह रहे हैं वो नहीं आई, या आ गई, आ गई तो प्रोबेबिलिटी वन, नहीं आई तो प्रोबेबिलिटी जीरो की तरफ जाएगी, और इसको हम पूरा गिनेंगे तो हमारी जीरो से वन के बीच में आएगी कोई। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी इनपुट्स दे रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर में, जो इनपुट्स दे रहे हैं, तो कितने डेफिशिएंसी, कितने बार ये फेलियर होगा इसका, कितने बार ये गिरेगा सॉफ्टवेयर, तो नंबर ऑफ गिरना या नंबर ऑफ फेलियर कह दें, नंबर ऑफ सिस्टम डेफिशिएंसी कह दें, जब आप इनपुट देंगे वो पीओएफओडी है। ये भी कह सकते हैं कि जब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने बार, जैसे मान लीजिए आपने चार बार रिक्वेस्ट किया और एक बार फेल हो गया, एक बटे चार के हिसाब से सोच सकते हो आप, मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूं कि चार बार मांगा एक बार मिला, तो इसी को अगर नंबर में देखें तो 0.1, मैंने जैसे बताया क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ये जीरो और वन के बीच में आएगी, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड आपका 0.1 है, इसका मतलब ये है कि 10 बार आप सर्विस मांगेंगे तो एक बार ये फेल हो जाएगा, तो 1/10 इसकी पीओएफओडी हो गई। खासतौर पे जो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम होता है जिसमें जान और माल इसमें स्टेक पे होता है, वहां पर पीओएफओडी बहुत बड़ा मैट्रिक्स बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बन जाता है।